Hello, my dear friends, and welcome to Edu Mantra. I'm Alifia once again. First of all, I'm really sorry because किसी रीज़न की वजह से मैं ये ड्रेनेज चैप्टर का सेकेंड पार्ट नहीं बना पाई और कुछ ज़्यादा ही डिले हो गया. बट देन सिंस आई एम बैक अगेन, सो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट. वी वर डूइंग द ड्रेनेज चैप्टर ऑफ ग्रेड 9. हमने ऑलरेडी देख लिया था कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, उसकी जो अलग अलग टर्म्स थे वो सारे पढ़ लिए थे. एंड जो दो टाइप की रिवर सिस्टम जो इंडिया में फ्लो होती है, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, उसमें से हिमालयन का पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोर्सेज ऑफ द रिवर्स, द अपर कोस्ट, मिडल कोस्ट, लोअर कोस्ट. सो बेसिकली वो फाउंडेशन ऑफ द चैप्टर एंड हिमालयन अपना ऑलरेडी कवर हो चुका है. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव टू सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ द पेनिनसुलर रिवर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट पेनिनसुलर रिवर्स दे आर नॉन सीजनल रिवर्स एंड विच आर ऑल्सो नॉन पेरिनियल. नाउ हिमालयन रिवर्स दे आर पेरिनियल रिवर्स. नाउ पेरिनियल रिवर्स आर द वंस विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर बिकॉज उनको उनका सोर्स रेन वाटर से मिलता है और ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते हैं उनसे मिलता है. बट इन टर्म्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, दीज रिवर्स आर नॉन पेरिनियल क्योंकि वो 24 पूरे साल फ्लो नहीं होता. इट डजंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर्स. उस पेनिनसुलर रिवर्स आर फ्लोन ओनली बिकॉज ऑफ द रेन वाटर. सो बेसिकली दे आर नॉन पेरिनियल. एंड ऑल्सो पेनिनसुलर रिवर्स आर मोर शॉर्टर एंड शैलोअर दैन द हिमालयन रिवर्स. ओके, सो नाउ देर आर बहुत सारी रिवर्स है विच कम अंडर द पेनिनसुलर रिवर्स. लेट अस लुक एट देम वन बाई वन. द फर्स्ट वन इज़ अ नर्मदा बेजन. नाउ नर्मदा बेजन वो अमरकंटक हिल्स से स्टार्ट होते हुए फ्लो होता है विच इज़ इन मध्य प्रदेश. नाउ दिस बेजन जो नर्मदा रिवर, जो नर्मदा का जो बेजन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात दो स्टेट के बीच में शेयर होता है. नाउ एक चीज़ का ध्यान रखें, पेनिनसुलर बेजन कवर्स लॉट ऑफ रिवर्स. ठीक है, तो उन सारे रिवर्स की बेजन कहाँ कहाँ पर शेयर होती है वो जानना डिफ़िकल्ट हो सकता है. बट टू मेक योर जॉब मोर ईजियर, इन सब में दो प्लेसेस मेजॉरिटी कॉमन है, मेजरली कॉमन है, विच इज़ महाराष्ट्र एंड द सेकेंड इज गुजरात. तो दो तो हैं जो मोस्टली सब में हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात है, अगर आगे हम देखेंगे तो वहाँ महाराष्ट्र गुजरात दोनों हो सकते हैं. तो आपको बस वो दूसरा ऑप्शन याद रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात सब में एक तो कॉमन होगा ही. ओके, सो ये नर्मदा बेसिन इज शेयर्ड बाय मध्य प्रदेश एंड गुजरात. अब द नर्मदा बेसिन का जो वाटर फ्लोइंग सिस्टम है वो बहुत ही इरोटिक है. हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब एक रिवर उसके अपर कोस्ट से बहती हुई आती है तो बहुत ही फुल स्पीड में हुई आती है. तो सिमिलरली हैपन्स ओवर हियर इन द नर्मदा बेसिन. इस नर्मदा रिवर की वजह से दो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ फॉर्म होती है. वन इज़ द मार्बल रॉक एंड द सेकेंड इज़ द धुआधार फॉल्स इन जबलपुर. दोनों ही चीज़ जबलपुर में है. ना मार्बल रॉक क्या है, बिकॉज इट कम्स इन अ वेरी इरोटिक स्पीड, बहुत ही फुल स्पीड में वो फ्लो होते हुए आ रही है. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि गॉर्ज क्या होता है. जब एक रिवर एक रॉक को कट करते हुए बीच में से जाती है तो एक गॉर्ज जैसा बन जाता है. तो दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड एज ओवर ईयर मार्बल रॉक्स. उसको मार्बल रॉक्स का नाम दिया गया है जो एक बहुत ही ब्यूटिफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है. ओके, इट्स लाइक अ पिक्चरिस्क साइट, लोग वहाँ पे जाते हैं खास उसे देखने के लिए. सो दिस इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द नर्मदा रिवर. नाउ द धुआधार फॉल्स इज़ द नेक्स्ट वन. बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अ फॉल विच इज़ नेम्ड एज धुआधार. धुआधार इज इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू वर्ड्स, धुआ एंड धार. धुआ मीन्स स्मोक एंड धार मीन्स द फॉल्स. बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द रिवर, जब वो रॉक से फ्लो नीचे गिरती है टू फॉर्म अ वाटरफॉल, वाटर इवेपोरेशन की वजह से वहाँ पे धुआं उठता है. सो इसी सिंपल लॉजिक की वजह से इस वाटरफॉल का नाम है धुआधार फॉल. सो ये दो चीज़ बहुत ही ब्यूटिफुल है जो वहाँ जबलपुर में फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द नर्मदा रिवर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द तापी बेसिन. दिस राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश. इसकी बेजन शेयर होती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, महाराष्ट्र एंड गुजरात, बोथ ऑफ दीज आर कॉमन ओवर हियर. नाउ देर आर सम रिवर्स इन दिस बेजन जो है साबरमती, पेरियार एंड माही. तो आप दो रिवर याद रखेंगे तो भी आई थिंक इट्स ओके.
द थर्ड वन इज़ द महानदी बेसिन. अब ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होती है और ओरिसा से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, और इसका बेसिन शेयर होता है बिटवीन महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड एंड ओरिसा. यहाँ पे भी महाराष्ट्र और गुजरात सेम कॉमन है, एंड द अदर टू आर झारखंड एंड ओरिसा. अब तापी बेसिन के लिए एक चीज़ आपको बता दूँ कि तापी बेसिन की जो रिवर्स है वो नर्मदा से काफ़ी शॉर्ट है. इट इज़ शॉर्टर इन लेंथ एंड विथ बोथ. मूविंग ऑन द गोदावरी बेसिन. नाउ गोदावरी बेसिन वेस्टर्न घाट, जो ये पेनिनसुलर रिवर्स जो वेस्टर्न घाट्स में फ्लो होती है मेजरली, तो गोदावरी बेसिन इट्स द लार्जेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिवर. इन सब में से इट इज़ द लार्जेस्ट वन. ये नासिक में स्टार्ट होती है जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन महाराष्ट्र, एंड इट इज़ अराउंड 1500 किलोमीटर्स लॉन्ग. अब इसका बेसिन, ये गोदावरी का जो बेसिन है वो 50% मतलब आधा, लिटरली हाफ इज़ टेकन बाय महाराष्ट्र. ओके, 50% ऑफ इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय महाराष्ट्र, इट इज़ यूज्ड बाय महाराष्ट्र. उसका जो सॉइल है, उसका जो वाटर है, इट इज़ यूज्ड बाय महाराष्ट्र. एंड द रेस्ट 50% इज यूज बाई ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. सो मेजर पार्ट इज महाराष्ट्र एंड बाकी 50% इज डिवाइडेड इंटू अनदर 3 स्टेट्स. सम ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी जो आपको इसमें याद रखनी है वो है मंजरा, वैन गंगा एंड पैन गंगा. दीज आर द 3 मेन ट्रिब्यूटरीज. इन तीनों को मिला के हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, बिकॉज ये जब तीन मिल जाती है तो बहुत इट फॉर्म्स अ रियली लार्ज रिवर. ओके, अ रियली लार्ज डेल्टा. सो उसे हम उसके जो इन तीनों से जो डेल्टा बनता है उसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं. सो दक्षिण गंगा बेसिकली मीन्स वैन गंगा, पैन गंगा एंड मंजरा. ये तीन है मेन गोदावरी की. मूविंग अहेड, कृष्णा बेसिन. ये महाराष्ट्र में स्टार्ट होती है और फाइनली वेस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है. इसका बेसिन शेयर होता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका. अगेन यहाँ पे गुजरात नहीं है, बट यहाँ पे महाराष्ट्र है. सो द लॉजिक दैट अप्लाई बिफोर, यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर. नाउ देर आर फ्यू ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा विच इज़ तुंगभद्रा एंड घटप्रभा. कावेरी द लास्ट वन, ये ब्रह्मागिरी से स्टार्ट होती है. इट इज़ अराउंड 760 किलोमीटर्स लॉन्ग. इसका बेसिन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में शेयर होता है. सो कावेरी इज़ द ओनली बेसिन जिसके सारे स्टेट्स वो है साउथ में है. सो ऑल द स्टेट्स दैट शेयर इट्स वाटर इज़ ऑन द साउथ. तो काफ़ी ईजी होगा रिमेंबर करना, बिकॉज इट्स ऑल साउथ स्टेट्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. अब ये कावेरी से जो पानी निकलता है, दिस वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो बेसिकली मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ फॉर्म्ड बाई द फोर्स ऑफ वाटर, जब वो पानी गिरता है ओके ऊपर से इन फॉर्म ऑफ अ वाटरफॉल और अ डैम, तो उसे जो पानी, उसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. सो इसकी दिस वाटर इज यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एंड टू प्रोवाइड इन टू द गोल्ड फील्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट. नाउ सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द मेजर पार्ट, 80% ऑफ द चैप्टर विच इज़ द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, हाउ इट ड्रेन्स, वेयर इट ड्रेन्स, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है. नाउ द लास्ट पार्ट, द लास्ट 20% ऑफ द चैप्टर विल टॉक अबाउट लेक्स एंड इट्स इकोनॉमी रिलेटेड टू द कंट्री. अब हमें ऑलरेडी पता है कि लेक्स क्या है. अगर हम कश्मीर जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ पे दाल लेक है, एंड यू नो श्रीनगर जाते हैं वहाँ पे भी लेक्स होते हैं. हम उस लेक में हाउस बोट में रहते हैं, शिकारा भी कहते हैं. सो बेसिकली दैट्स अ प्लेस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन. लेक्स आर अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं. सो उसे हम लेक कहते हैं. नाउ सम लेक्स कैन बी परमानेंट एंड सम लेक्स कैन बी टेम्पररी एज वेल. द लेक्स विच आर यू नो आर फाउंड ओनली बिकॉज ऑफ रिवर वाटर्स और डैम्स, वो सिर्फ टेम्पररी लेक्स होंगे. लेक्स के टूरिस्ट अट्रैक्शन के अलावा भी और भी यू नो इकोनॉमिकली यूजेज है या इन्वायरमेंटल यूजेज है. लेक्स एक्चुअली रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर. अगर किसी जगह में पानी कम है तो इट हेल्प्स इट टू बैलेंस द वाटर लेवल ओवर देयर. अगर किसी जगह में फ्लड हो रहा है तो उस लेक का पानी यू नो इट काइंड ऑफ लाइक वो एक्सेस वाटर लेक में ट्रांसफ़र हो जाता है. सो लेक मेंटेन्स द ओवरऑल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट ऑफ द वाटर एंड इट रेगुलेट्स द वाटर सिस्टम.
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम राजस्थान में बात करें तो वहाँ पे लेक्स जो होते हैं दोज आर सॉल्ट वाटर लेक्स, तो उसे हम यूज़ करते हैं सॉइल प्रोडक्शन के लिए. इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर लेक्स जो कि हिमालयन रेंजेस से आते हैं, वाई? बिकॉज दोज लेक्स आर फॉर्म बाय द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स. सो लॉजिकल सेंस ये बनता है कि दोज लेक्स विल बी द फ्रेश वाटर लेक्स. तो वोलार लेक विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. दैट लेक इज़ ऑल्सो यूज मेजरली फॉर जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड यू नो दीज आर द लेक्स दैट वी सी अराउंड अस. नाउ टू लुक एट द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द लेक, ये जो लेक सोर्स है, द वाटर फ्रॉम द लेक्स, वो इकोनॉमी में कैसे यू नो हेल्प करते हैं. अगर आपने पढ़ा होगा या आपने कहीं पर सुना होगा तो ये बहुत ही कॉमन है कि मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन स्टार्ट नियर अ वाटर सिस्टम, एक रिवर के पास ही स्टार्ट होता है. वाई? बिकॉज वहाँ पे फर्टाइल सॉइल ज़्यादा है, विच इज़ फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, एंड पानी ज़्यादा है तो यू नो फॉर फूड एंड ड्रिंकिंग सप्लाई इज़ ऑल्सो गुड. सिमिलरली जहाँ पर भी लेक होगा उस जगह पे सेटलमेंट ज़्यादा होंगे, सिटीज़ का एंड सिटी पॉपुलेशन विल बी मोर, बिकॉज वहाँ पे नेविगेशन ईजिली हो सकता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ईजिली हो सकता है, एंड यू नो अ फूड सिस्टम एंड ड्रिंकिंग सिस्टम कैन बी यू नो जनरेटेड वेरी इजिली अराउंड दोज लेक्स. नाउ दीज लेक्स कैन ऑल्सो बी ईजिली पल्यूटेड. अगर एक लेक, दीज सोर्सेज ऑफ लेक्स, इफ़ दे बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, बट बिकॉज ऑफ दैट वी ह्यूमन बींग्स हम कभी कभी उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. वी डू नॉट एक्चुअली टेक केयर ऑफ दीज वाटर बॉडीज सो दैट वी कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर टाइम. वाई एंड हाउ आर दे यू नो टेकन फॉर ग्रांटेड एंड पल्यूटेड? बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड इंटरनेशनल पर्पसेस. ये चार जो रीज़न हैं उनकी वजह से ये लेक्स काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती हैं. बिकॉज ऑफ द डिमांड्स ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम दीज फोर सेक्टर्स, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड म्यूनिसिपल, इन चार सेक्टर में से जो पानी की जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक वाटर यूज़ करते आ रहे हैं. उसकी वजह से जो ड्रेनेज है वो वाटर का बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, और जो वाटर की क्वालिटी है वो डे बाय डे लेस होती जा रही है. सो इट्स लाइक एन इनवर्स प्रोपोर्शन. इसकी वजह से लेक्स बहुत ही ज़्यादा यू नो डैमेज हो रहे हैं, और एंड दे आर बेसिकली बिकमिंग पल्यूटेंट. उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज से निकलती हुई जो एफ्लुएंस एंड द पल्यूटेंट्स है वो भी कभी कभी पानी में मिल जाती है. सो दीज आर द वेरियस रीजन्स वाई दिस लेक्स गेट पल्यूटेड. सो बेसिकली अगर हम ऐसी चीज़ें ना करें तो उससे इन लेक का जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगा, हम उससे लिमिटेड यू नो क्वान्टिटी में यूज़ भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो लॉन्गर पीरियड तक सस्टेन कर पाएगी. सो द की ओवर योर एंड द की ओवर योर इज़ टू डिक्रीज द यू नो डिक्रीज द पल्यूशन ऑफ दीज लेक्स एंड ऑल्सो बी एबल टू मेक इट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज अगर वो ज़्यादा असमय तक सस्टेन नहीं करेंगी सो इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, हम उस लेक के एडवांटेज को नहीं ले पाएंगे. दैट्स इट फॉर ऑल. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय. थैंक यू.